गुड मॉर्निंग ऑल. टुडे वी विल डू यूज ऑफ वुड. एक्चुअली स्टूडेंट्स, वुड क्या होता है? वुड इज यूज पास्ट ऑफ विल. तो जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें विल मिलता है और हम उसे वुड में कन्वर्ट करते हैं, ये रूल भी हम कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एज फ्यूचर इसका ऐसे यूज होता है. जैसे ही आस्क्ड मी, आई वुड हेल्प हिम. फर्स्ट रूल ही हमारा है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट. यहाँ पर क्या आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, या शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट अकंपनी मी. सेकेंड रूल है टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन. पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए या सजेशन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू बी काइंड इनफ टू लैंड मी योर बुक, और सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज शट द डोर. दोनों ही एग्जाम्पल जो है पोलाइट रिक्वेस्ट है दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस कस्टमरी और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट टाइम. जो कस्टमरी है, जो हमारे रीति रिवाजों से रिलेटेड है, या हैबिचुअल एक्शन जो है वो पास्ट टाइम के अंदर अगर हमने शो करना हो, जैसे व्हेन वी वॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली इन द पास्ट बट डजंट हैपन नाउ, सॉरी डोंट हैपन नाउ. जो पास्ट में एक्शंस रिपीट होते रहते थे लेकिन अब नहीं होते हैं, वहां पर हम वुड और यूज्ड टू दोनों का यूज कर सकते हैं. ठीक है, हम यूज टू का भी यूज करेंगे. मॉडल्स जो है हमारा, ये भी यूज टू भी एक मॉडल है, वहां पर हम यूज करेंगे. तो यूज टू क्या है, मोर कॉमन है इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर, हम उसका भी यूज करेंगे जब उसकी टर्न आएगी. लेकिन एक एक हेक्शा एक्शन जो है रिपीट होता था, कैस हैपनिंग्स जो थी जो पास्ट में होती थी लेकिन अब नहीं होती है, तो वहां पर हम वुड का भी यूज कर सकते हैं और यूज टू का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस फ्रूट व्हेन ही केम बैक होम. मतलब केम बैक होम, जब वो घर आया करते थे तब फादर जो है हमारे लिए हमेशा फ्रूट्स लेकर आते थे. ठीक है, तो फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस, तो यहाँ पर हमने वुड का यूज किया. हम चाहे तो यहाँ पर यूज टू का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वुड विजिट हिज पेरेंट्स एवरी अदर वीकेंड. ठीक है, यहाँ पर भी हमने वुड का यूज किया है. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ विश कंसर्निंग द फ्यूचर एक्शन ऑफ अनदर पर्सन. हम एक ऐसी विश को यूज कर सकते हैं जो फ्यूचर एक्शन दूसरे पर्सन से, फ्यूचर एक्शन पर बेस्ड हो या उसी से कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल, आई विश ही वुड रीच हेयर सून. तो विश क्या है, मेरी है, और ही कौन है, थर्ड पर्सन है, दूसरा पर्सन है, अनदर पर्सन है, तो उसके एक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो आई विश ही वुड रीच हेयर सून. सेकेंड एग्जाम्पल, आई विश आई हॉकी टीम वुड. अब थर्ड पर्सन कौन है हमारा, अनदर पर्सन. विश तो मेरी है लेकिन जो एक्शन है वो किससे कंसर्निंग है, वो दूसरे पर्सन से, हॉकी टीम से कंसर्न. ठीक है, वुड विन द ओलंपिक चैंपियनशिप अगेन. सेकेंड इज, नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस अ होपलेस विश. जब होपलेस विश के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली इट वुड स्टॉप हेलिंग, या इफ ओनली शी वुड गेट अ विंड फॉर. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अ डिजायर पोलाइटली. अगर पोलाइटली डिजायर को एक्सप्रेस करना है, वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू रिसाइट अ पोएम, आई वुड लाइक टू स्टे हेयर फॉर द नाइट. ठीक है, यहाँ पर डिजायर जो है हमारी है, यहाँ पर एक्शन भी हमसे रिलेटेड है लेकिन हम यहाँ पर अपनी डिजायर को पोलाइटली एक्सप्रेस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस. प्रेफरेंस जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, वुड का यूज यहाँ पर करते हैं. प्रेफरेंस के लिए हम हमेशा वुड का यूज करते हैं. जैसे कि हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजों में से एक को हमने प्रेफर करना है, तो हम वहां पर उस चीज को प्रेफर करने के लिए वुड का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रेदर रिजाइन देन सबमिट टू इनजस्टिस. ठीक है, मतलब एक तो उसके उसके पास दो एक्शन है, या तो वो रिजाइन कर सकता है या सबमिट टू इनजस्टिस, इनजस्टिस को फेवर कर सकता है. तो वो क्या करेगा, रिजाइन करेगा, वो उसकी विश है. नेक्स्ट इज, आई वुड डाई रेदर, या डाई देन, सॉरी, आई वुड डाई रेदर देन बैग. मतलब अब उसके पास दो एक्शन है, एक फर्स्ट वन इज डाई एंड सेकेंड वन इज बैग. या तो वो बैक करना पसंद करे या वो मर जाना पसंद करे. तो वहां पर आई ने जो है किस चीज को चूज किया, किस चीज को प्रेफर किया है, डाई को. तो इसने बोला आई वुड डाई रेदर, मतलब मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा. तो प्रेफरेंस जो है यहाँ पर डाई को दिया. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस इंटेंशन और डिटर्मिनेशन. इंटेंशन और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी वी कैन यूज वुड. आई वुड कैरी आउट योर ऑर्डर्स एट ऑल कॉस्ट. मैं आपके ऑर्डर्स को किसी भी कीमत पर जो है कैरी करूंगा, आई मीन टू से कि फॉलो करूंगा. शी वुड लाइक टू हैव हर से.
नेक्स्ट इज लास्ट वन इज टू एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन. अनरियल कंडीशन को जैसे हम बोलते हैं ना काश, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं. जैसे इफ ही वर हेयर ही वुड कम एट वंस, या हैड शी वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ट. ठीक है, तो ये आपका हो गया एज कंप्लीट यूज ऑफ वुड स्टूडेंट्स. तो एक कल की असाइनमेंट है, वो मैं आपके पास उसके सॉल्यूशन सेंड करूंगी, और वुड का जो रूल्स है उसकी भी एक पिक सेंड करूंगी, आपने ये अपनी नोटबुक में राइट करना. ओके सो गुड बाय, टेक केयर.